क्लास टेंथ मैथ चैप्टर थ्री पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। टुडे आई विल टीच यू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ए एक्स बी वाई सी स्क्वायर जीरो, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। बी गिव सम एग्जांपल लाइक ए टू एक्स थ्री वाई प्लस सेवन स्क्वायर जीरो, और यू कैन से 3x 8y plus 9 is equal to 0. These are the linear equation in two variables. Now we take some example another form like a tx qy plus c is equal to 0. We take some example number 3 on page 43. Two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0, other 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this equation graphically. Situation है यहाँ पर T A T I है. Now we solve this question. We take the first equation solution. First we find out two points of each equation. X plus 2y is equal to 4. Now we write the equation in the form of the 2y is equal to 4 minus x, y is equal to 4 minus x upon 2, 2 minus x upon 2. We write 2 minus x upon 2. Now put x equal to 0 and 2. We get then we put x equal to 0, then we get y equal to 2. If we put x equal to 2, then we get y equal to 1. Similarly, we find other two points. Of the second equation, four x plus four y
माइनस 12 इक्वल 0। नाउ फर्स्ट में सिंप्लीफाई 2 है यहां पर, नाउ वी सिंप्लीफाई राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द x 12 माइनस 2x 12 माइनस 2x अपॉन 4। नाउ सेपरेट 3 2x अपॉन 4 22 को 3 माइनस x अपॉन 2। नाउ पुट x कर 0 और 2 देन वी गेट यदि हम x बराबर 0 लगाते हैं देन वी गेट 22 को 3। यदि वी पुट द x कर 2 देन वी गेट 2। नाउ वी ड्रा द ग्राफ ऑन दिस इक्वेशन। बी ड्रा द कार्टेशियन प्लान, यू विल टेक द ग्राफ पेपर, बी टेक द सेम डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये y axis, this is origin। Now we take first point then we take x equal to 0 then we get y equal to 2। If we take x equal to 2 then we get y equal to 1। We will get the 2 point other equation x equal to 0 then y equal to 3, x equal to 2 and y equal to 2। Then we get the other equation. Then the two equation are to parallel. This is the graphically solution. We ask all this equation. x plus 2y minus 4 is equal to 0, 2x 4y minus 12 is equal to 0। If we multiply this equation by 2 then we get 2x 4y minus 8 is equal to 0, 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। If we change the sign then we get x equal to 0 and y equal to 0। These are equation is to be parallel। Exercise 3.1 question number 1। Up top tells daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were। Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be।
रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली. सॉल्यूशन, लेट परसेंटेज ऑफ द आपका एक्स ईयर, परसेंटेज ऑफ द डाटा वाई ईयर, 7 ईयर्स एगो यानी 7 साल पहले आप तक की एज एक्स में 7 ईयर हो जाएगी. इसी प्रकार से 7 ईयर्स एगो डाटा की एज वाई में 7 ईयर हो जाएगी. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार 7 साल पहले आप तक की एज अपनी पुत्री की एज की 7 गुनी हो जाएगी. एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ दी वाई माइनस 7. इनके आप तब के 7 टाइम्स है 7 साल पहले, तो हम क्या बैलेंस करने के लिए इस वाली इक्वेशन के लिए इनके डाटा की एज को 7 टाइम्स कर देंगे. नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 49. नाउ टेक द एल्जेब्रिक टर्म वन साइड लेफ्ट हैंड साइड, एक्स माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू माइनस 42. सिमिलरली आपका एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, एक्स प्लस 3 ईयर, डाटा एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, वाई प्लस 3 ईयर. अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग कंडीशन एक्स प्लस 3 इक्वल 3 बाय प्लस 3. हमने 3 गुनी आपकी आप तक की एज थी, 3 गुनी डाटा एज कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. एक्स प्लस 3 इक्वल 3 बाय प्लस 9, एक्स प्लस 3 बाय इक्वल 9 माइनस 3, एक्स प्लस 3 बाय इक्वल 6 के. दिस इज द एल्जेब्रिक फॉर्म टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इक्वेशन ग्राफिकली वी फाइंड टू पॉइंट ईच इक्वेशन एंड ड्रा द ग्राफ. Now we take the other question. The cost of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for the 3,900 rupees. Let us buy another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically. Let cost of 1 bat x rupees, cost of 1 ball y rupees. According to the condition,
3x 6y = 2 3100। Similarly, one bat and three balls, 1300। Second equation. देखिए अल्जेब्रिकली नाउ बी सॉल्व नाउ सॉल्व दी इक्वेशन ग्राफिकली बी फाइंड two points each equation. Three x six y is equal to 3100. X plus 2y is equal to 1300. Now take the first equation x equal to 13,000 minus 2y. Now put y equal to 200. Then we get x equal to 400. Then we get x equal to 1300 minus 800, we will get 500. Similarly, we get another point x 3y is equal to 1300. We will get x equal to 1300 minus 3y. Put y is equal to 200. Then we get x equal to 1300 minus 600, we will get 700. Put y equal to 400, we get x equal to 1300 minus 400, we get 100. Then we get the point and put x equal to y equal to 200, then we get x equal to 700. When you put the y equal to 400, then we get x equal to 100. Similarly, in this group, in this equation, x and y, we put x equal to y equal to 200, then we get x equal to 900. We put y equal to 400, then we get x equal to 500. Now draw the graph. You will also take the graph paper. On the x-axis, we take 200, 400, 600, 800,
1000. Similarly, we take on the y-axis 200, 400, 600, 800. On the x-axis 700, y square 200. On the x-axis x square 100 and y square 400. क्योंकि हमारा 100 बीच में आएगा, इन दोनों सूत्र लाइन का कर देते हैं। इसी प्रकार से एस पर 900 बाईस पर 200 डिग्री के दिस पॉइंट एंड बाईस एक्स पर 500 और बाईस पर 400 बी के अब बहुत इक्वेशन आसान है।